आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा बरपा है और एक बार फिर उच्च सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। विपक्ष ने जहां हंगामे के बीच यह आरोप लगाया है कि मार्शलों ने महिला सांसदों से गलत व्यवहार किया, तो वहीं सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष ने असंसदीय व्यवहार किया है और सेक्रेटरी जनरल व स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की है। गुरुवार को राज्यसभा के हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के बीच जारी खींचतानी में महिला मार्शलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दरअसल ओबीसी बिल पास होने के बाद बीमा बिल पर चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा कि आपने सिर्फ ओबीसी बिल के लिए कहा था। इस दौरान चेयर की तरफ कागज फेंके गए, जिसके बाद मार्शल को बुलाया गया। विपक्ष का आरोप है कि कई सांसदों को चोटें भी आई हैं। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष का असंसदीय व्यवहार रहा है, सेक्रेटरी जनरल और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की गई है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि मैंने 55 साल की संसदीय राजनीति में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। 40 से 50 मार्शल बुलाकर सांसदों के साथ व्यवहार किया गया है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, विपक्ष के नेताओं ने मार्शल के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आज संविधान संशोधन पर सकारात्मक चर्चा हुई, इसके बाद जिस तरह का दर्श संसद में दिखा वह संसद की मर्यादा को तार तार करने वाला था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो ऐसी ही हरकत करता है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को और देश को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।